नमस्कार, मैं प्रगति मीडिया से हिना श्रीवास्तव। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति होने की पुष्टि की थी। उन्हें काफी समय से वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्हें 11 जून को सांस लेने में दिक्कत और बुखार के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने लालजी टंडन के निधन की पुष्टि करते हुए ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बाबूजी नहीं रहे। इस बात को सुनकर पूरे देश में दुख का माहौल प्रकट हो चुका है। राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के कारण राज्य में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान सरकारी इमारतों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित फहराया जाता है, वहां पर ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में कोई भी शासकीय और मनोरंजन संबंधित आयोजन नहीं होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने लालजी टंडन के निधन पर 3 दिनों का योगी सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। वहीं बात करें अगर कोरोना वायरस की, तो भारत में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में अब 35,000 से ज्यादा नए केस रोजाना सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 11,57,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 28,115 तक पहुंच चुकी है। वह कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 7,25,000 तक पहुंच चुकी है। हम सभी को अभी सतर्क रहना चाहिए और कोरोना वायरस से बचते हुए अपने काम को सही तरीके से पूरा करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है, आप अपने साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें। आपका परिवार आपके ऊपर पूरा विश्वास करता है, तो बाहर निकलते समय ग्लव्स व मास्क जरूर पहने। धन्यवाद।